क्या होगा जब WWE के जाइंट रेसलर ब्रॉन स्ट्रोमैन से टकराएगा भारतीय शेर सतनाम सिंह। भाई सतनाम सिंह जी AEW के रेसलर हैं और वो काफी सालों से ही AEW में रेसलिंग करते आ रहे हैं। भारतीय रेसलर सतनाम सिंह आजकल इंटरनेट पर खूब ज्यादा चर्चित हैं, क्योंकि सतनाम सिंह की पहचान उनकी कदकाठी से बन गई है। सतनाम सिंह भी एक जाइंट रेसलर हैं और उन्होंने AEW में धमाल मचा रखा है, जिसकी वजह से अब लोगों ने उनके नाम बड़े रेसलरों के साथ जोड़ना शुरू कर दिए हैं। और लोगों का कहना है कि ये रेसलर WWE के सबसे बड़े से बड़े रेसलर को धूल चटा देगा। और जैसा कि खली ने WWE में भारत का परचम लहराया था, बस यही सतनाम सिंह भी अपनी अलग पहचान बना देगा। तो भाई आज की वीडियो में हम सतनाम सिंह का कंपैरिजन करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन की हाइट है 6'8" और उनका वजन है 175 किलोग्राम, और वहीं सतनाम सिंह की हाइट है 7'2" और उनका वजन है 163 किलोग्राम। वैसे इन दोनों की हाइट वेट में ज्यादा फर्क नहीं है। अब बताता हूँ इनके बैकग्राउंड और रेसलिंग करियर की। तो सतनाम सिंह पहले बास्केटबॉल प्लेयर थे, बाद में इन्होंने रेसलिंग को ज्वाइन किया और इन्होंने WWE के ट्रेनिंग सेंटर से रेसलिंग के दांव पेच सीखे थे। बाद में इन्होंने AEW को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने अपना रेसलिंग करियर 2017 में स्टार्ट किया था। और बताता हूँ ब्रॉन स्ट्रोमैन की, तो ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना रेसलिंग करियर 2014 में स्टार्ट कर चुके थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग WWE के ट्रेनिंग सेंटर से कंप्लीट की थी और उनका फोकस हमेशा से रेसलिंग में था। अब बताता हूँ इन दोनों की मैच स्ट्रेटेजी और मूव्स के बारे में। भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास काफी ज्यादा धासु धासु मूव्स हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक है रनिंग पावर स्लैम और चॉक स्लैम। और वहीं सतनाम सिंह के पास अभी थोड़े कॉमन मूव्स हैं, जैसा कि बिग बूट, डबल 100 चॉक स्लैम और डबल क्लोज लाइन। भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी सतनाम सिंह ब्रॉन स्ट्रोमैन से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उनके पास इतनी अच्छी स्ट्रेटजी और मूव्स हैं जो वो ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ कम्पीट कर सके। तो अभी उनको 4-5 साल और लगेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के लेवल पर आने के लिए। तो हम चाहते हैं सतनाम सिंह अपने आप को और बेहतर बनाए और भारत का नाम रोशन करते रहें। तो भाई आपको सतनाम सिंह के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।